हमने लिया है एक कटोरी, दिस इज रोस्टेड ग्राम दाल या पुठाना ओके का दाल, वैसे चटनी वाला दाल। इसको एक कढ़ाई में ले लीजिए, इसको थोड़ा सा सुपर लाइट रोस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स, थोड़ा सा ओके गर्म करेंगे बस, ऑन अ स्लो फ्लेम। लो फ्लेम पे थोड़ा सा गर्म करेंगे। ओके, आप सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। देखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हम आए हैं विद द लवली मॉम अर्चना चक्रवर्ती के संग आपको दिखाने के लिए फटाफट झटपट 5 मिनट में आप कैसे लड्डू बना सकते हैं। रोटी बंगाल ग्राम दाल, चटनी दाल, हमने पुठाना दाल यहाँ पे यूज करी है। दिस इज अ सुपर फास्ट लड्डू, या सुपर फास्ट लड्डू, और कोई भी आसानी से इसको बना सकता है। मेरा क्वेश्चन है, रोस्टिंग कंपलसरी है? बिकॉज दिस इज अ रोस्टेड बंगाल ग्राम दाल ना। आई विल नॉट से रोस्टिंग इज कंपलसरी, अगर आपके पास टाइम हो तो रोस्ट कर लीजिए, नहीं तो भी ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट करेंगे ऑप्शनल रोस्टिंग। हम थोड़ा सा सोचिए, इट शुड गेट अ लिटिल वार्म, ओके है ना, तो ये हो गया है, हम ऑफ कर देंगे। इसको 1 मिनट कूल होने देंगे, फिर हम बी रेडी फॉर ग्राइंडिंग। ओके, तो देखिए ठंडा हो गया है हमारा बंगाल ग्राम दाल, और अब हमें इसको ग्राइंड करके ला रहे हैं, ड्राई ग्राइंड। हाँ हाँ, ड्राई ग्राम 1 मिनट के। ओके, तो देखिए ड्राई ग्राइंड करके लिया है आप। ओके, अभी इसमें हम डालेंगे, जैसे हमने 1 कप लिया था ना दाल, इसके लिए स्वादानुसार 1:1 या थोड़ा कम भी अच्छा लगेगा। ओके, ये है गुड़ जागरी, तो थोड़ा सा कट करके ये ले लिया है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके ओके, गुड़ डाल के ऑप्शनल है थोड़ा सा, ये मेरे पास है, दिस इज ग्रेटेड ड्राई कोकोनट कोपरा। ओके, इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर, तो हम ऐड करेंगे इसको। तो ये ऑप्शनल है, देखिए खोपरा, बट देखिए सबसे अच्छी बात है बिना चीनी के हम ये आपको यहाँ पे दिवाली स्वीट, फेस्टिवल स्वीट बना के दिखा रहे हैं। okay, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो रेडी है, तो इन सबको हम साथ में पीस लेंगे एक बार। ओके, तो देखिए ड्राई ग्राइंड करके लिया है हम सारे इंग्रेडिएंट्स को। वाह, दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसे दिखेगा। ओके, देखिए हमारा घी एकदम पिघल गया है। ओके, अभी ये घी इसके ऊपर डाल देंगे हम, मिक्सर के ऊपर थोड़ा मिलाते हुए, गिव इट अ नाइस मिक्स। देखिए कितना आसान है ये लड्डू बनाना, और बहुत टेस्टी लगेगा, बच्चों से लेके बड़ों तक इस फेस्टिवल सीजन में आप बना सकते हैं। अगर अच्छी लगे, अगर नॉर्मल भी आप बनाना चाहें तो डेफिनेटली बना सकते हैं, जब भी मीठा खाने का मन करे। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे, अभी थोड़ा सा हाथ से मिक्स करके लड्डू बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, मीठा खाने का मन सभी को करता है, और गुड़ में बना हुआ है तो आप गिल्ट फ्री इसको खा सकते हैं आसानी से। थोड़ा गर्म है तो आप थोड़ा टेम्परेचर देख के आराम से कर लीजिए। हमने इसके ऊपर, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और घी लगेगा, तो हम थोड़ा सा घी और गर्म करके इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। ओके, ऐड करके सो वील शो यू द कंसिस्टेंसी, आप उसी कंसिस्टेंसी के हिसाब से घी धीरे धीरे ऐड करिएगा ताकि लड्डू बनाने में आपके आसानी हो। मुझे लग रहा है अभी रेडी है, वी विल स्टार्ट डूइंग वन लड्डू, जितना अमाउंट चाहिए उतना थोड़ा सा हाथ में लेके। देखिए लड्डू बना लीजिए, अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। लड्डू हमारे झटपट बनने वाले रेडी हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए। ओके, ब्यूटीफुल लड्डू रेडी है। यस, एक दो झटपट बना लेंगे। यस, ये जो साइज में चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, उसके साथ। और सबसे आसानी बात है कि इसमें हम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं लड्डू बनाने में, उनको भी मजा आएगा। फेस्टिवल सीजन में जरूर इन्वॉल्व करिए, रोज आप बना के खिला सकते हैं, हेल्दी है। देखिए प्रोटीन रिच लड्डू हैं जो हमारे यहाँ पे हमने बनाए हैं, इसमें शुगर नहीं है, गुड़ है ना। हाँ, तो गिल्ट फ्री खा सकते हैं। तो देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे जबरदस्त लड्डू यहाँ पे, अब आप इसको बना सकते हैं फेस्टिवल सीजन में। थैंक यू सो मच अर्चना फॉर अ लवली रेसिपी वंस अगेन। फटाफट बनने वाले ये लड्डू बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। प्रोटीन रिच, गिल्ट फ्री, गुड़ से बनाए हुए लड्डू बहुत टेस्टी लगेंगे, एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे, जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। बाय बाय एवरीवन।